पदभार संभालते ही एक्शन मोड में दिखी एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा। अस्पताल का किया निरीक्षण, महादेव मेले को लेकर सरपंच और अधिकारियों से की चर्चा। सेपो उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा पदभार ग्रहण करते ही एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। पदभार ग्रहण करने के दूसरे दिन ही वे शुक्रवार को क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सख्त देखी गईं, जिसे लेकर एसडीएम डॉक्टर शर्मा ने चिकित्सा व्यवस्था को लेकर सीएचसी का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने सुबह की पारी में करीब 9:30 बजे हॉस्पिटल में पहुंचकर लेबर रूम, फीमेल वार्ड, लैब तथा दवा वितरण केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान मौजूद प्रभारी डॉक्टर शोभित शर्मा से अस्पताल में होने वाली प्रतिमाह डिलीवरी सहित जांच व दवाइयां और स्टाफ को लेकर आंकड़ों की जानकारी ली। इस दौरान अस्पताल में आने वाली महिलाओं के लिए प्रसव कराने में महिला चिकित्सक की कमी को लेकर चिंता जाहिर की। अस्पताल में खल रही कुछ कमियों को लेकर भामाशाह के सहयोग या फिर किसी अन्य मत से शीघ्र निराकरण करने के लिए कहा गया। वहीं लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रभारी डॉक्टर को उचित दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान डॉक्टर सुनील कुशवाहा, डॉक्टर निकिता राणा, नर्सिंग ऑफिसर हरिओम तोमर, ओमवीर बघेल, प्रवीण कुमार, माधुरी मिश्रा, कंप्यूटर ऑपरेटर राजेश परमार, भोलू पारासर, सौरभ शर्मा, शेर सिंह, काउंसलर रवि अवस्थी, लैब टेक्नीशियन नीरज शर्मा, सुशील माहौर सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। इसके बाद एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा ने अन्य क्षेत्र की अन्य समस्याओं को लेकर ग्राम पंचायत सरपंच अर्जुन कुशवाहा सहित विभिन्न विभागों अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें ग्राम पंचायत सरपंच अर्जुन कुशवाहा से महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होने वाले जिले के सबसे बड़े लक्खी मेले की तैयारी व्यवस्थाओं को लेकर भी जानकारी ली गई।